रोशन जी मैं क्या सुन रहा हूँ, ये सब सच है क्या? हाँ देखो ना, गोगी ने हमसे झूठ बोला। चलो टप्पू के पापा, टप्पू से ना एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके कहीं और ही गई है। दया, आज तक मैं टप्पू की हर शरारत माफ करता आया हूँ, लेकिन झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शांति शांति रखिए। क्या शांति रखिए? जेठा पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलकर हमें ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो? सही बात है, ये तो हद हो गई। हम हमारे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, उनके छोटी से छोटी लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल रखते हैं, फिर भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, फिर भी मुंह पे झूठ बोल के चले गए। तो अरे कोमल भाभी परसों उसका फेवरेट बादाम का हलवा लेके आया, और अभी पता चल रहा है कि वही बादाम का हलवा खाकर वो हमको बेवकूफ बना रहे, झूठ बोल रहे हैं हमारे सामने। अरे भाई भिड़ा, तू क्यों चुपचाप खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? जेठा भाई, वो जब से टप्पू सेना की बात सुनी है ना, तब से ये कुछ बोल ही नहीं रहे है, ऐसे चुपचाप ही खड़े है। भिड़े मास्टर, इस तरह चुप रह के गुस्से को अंदर रखना सेहत के लिए हानिकारक है। बोलो बोलो, गुस्से को बाहर निकालो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं हाथी भाई, क्या बोलूं? आज एक शिक्षक की शिक्षा खुद अपने घर में फेल हो गई। जब मेरे ही घर में झूठ का आचार बन रहा हो, तो मैं दूसरों के बच्चों को सच के पापड़ बेलना कैसे सिखा सकता हूँ? सही बात। हमारे बच्चे किधर जाते होंगे, क्या करते होंगे, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। आजकल टाइम भी कितना खराब है। बाप रे, मुझे तो सोनू की चिंता हो रही है बहुत। नहीं नहीं माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आप हकारात्मक सोचिए। दया, हाँ? तो मुझे ये बता, टप्पू मोबाइल लेके गया है? हाँ, मैंने उसके फोन पर कई बार फोन किया, लेकिन टप्पू का फोन है कि उसके फोन पर नोट रीजनेबल ही आ रहा है। आने दो, आने दो टप्पू को, आज उसके कान के नीचे ऐसी सिटी बजाऊंगा कि जिंदगी भर उसको उस सिटी का सुर सुनाई देगा। शांति शांति। अरे क्या शांति? अच्छा मुझे ये बता, एक्स्ट्रा क्लास में जाने से पहले उसने कुछ कहा था? हाँ कहा था। क्या? मम्मी मैं एक्स्ट्रा क्लास में जा रहा हूँ। दया भाभी, टप्पू ने आपसे पैसे मांगे थे? क्योंकि गोली हमसे आज 500 रुपए लेकर गया एक्स्ट्रा क्लासेस की किताबों के लिए। मैंने भी 200 रुपए दिए किताब खरीदने के लिए। ओको भाई, सोनू ने भी हमसे 300 रुपए लिए थे, वो क्या ग्राफ पेपर स्टेशनरी है ऐसा सब खरीदना है बोल के। हाँ, और मैंने विश्वास करके दे दिए पैसे। बोलो आप चुपचाप खड़े हैं, आपने टप्पू को पैसे नहीं दिए? कितने? पानी चाहिए? 1000 रुपया। ओगो भाई, तू खुले 1000 रुपया? यार रानी विक्टोरिया, तूने टप्पू को 1000 रुपया दे दिए? टप्पू के पापा, टप्पू ने बोला कि वो ज्यादा मार्क लाने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ? और ज्यादा पढ़ने के लिए ज्यादा किताबें खरीदनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको ज्यादा पैसे दे दिए। अरे लेकिन ज्यादा की मात्रा कौन नक्की करेगा, कि आंख बंद करके जो मांगा वो बस दे देने का? नहीं नहीं, तब मेरी आंखें खुली थी। और अब मेरी आंखें खुल गई है। अरे क्या खुल गई है, छोटे से बच्चे के हाथ में 1000 रुपया थमा दिया, तो 1000 रुपया थमाने से पहले तुझे जरूरी नहीं लगा कि मैं टप्पू के पापा को एक बार पूछ लूं? कि नहीं, उसमें क्या पूछने का, दे देने का 1000 रुपया? जरूरी तो लगा। तो फिर नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा? क्या बापू जी को भी आज ही दानु महालक्ष्मी दर्शन करने जाना था? बस 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 बस, क्या हुआ जेठा, सारे लोग इस तरह से टेंशन में क्यों खड़े हो? अरे मेहता साहब, टप्पू सेना एक्स्ट्रा क्लास के बहाने हम सबके साथ झूठ का खेल खेल रहे।
जेठालाल क्या कह रहे हो भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहता साहब मैं बताता हूँ। ये सब किया है टप्पू सेना ने। ये बच्चे एक्स्ट्रा क्लास का कह के कहीं और जा रहे हैं, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। ऊपर से पैसे भी लेकर गए मेहता साहब। हाँ। ये तो और भी ज्यादा सीरियस मैटर है भाई। लो जी टप्पू सेना आ गई। कितनी निर्लज्ज देखा, हंसते हुए आ रहे। आना दो आज टप्पू की खैर नहीं। जेठालाल कंट्रोल, अपने गुस्से पे काबू रखो। टप्पू सेना को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों को ये पता है कि वो एक्स्ट्रा क्लास का कह के एक्स्ट्रा क्लास में नहीं जा रहे। अरे लेकिन पूछेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं जेठालाल, हम उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में ही पूछेंगे और फिर देखते हैं कि वो लोग सही जवाब देते हैं या फिर से कोई झूठ बोलते हैं। अच्छा अच्छा सुनो 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 फ्रेंड्स, हमारे मिशन एक्स्ट्रा क्लास के बारे में किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। कल भी हम लोग मिशन एक्स्ट्रा क्लास के लिए ऐसे ही निकल जाएंगे। यस डन डन, चलो चलो चलो। ये सब एक साथ लगता है कुछ सीरियस मैटर है। हाँ चल चल चल। पापा क्या हो गया, सभी यहाँ ऐसे क्यों खड़े? जेठालाल टप्पू बेटा कुछ नहीं, बस सोसाइटी का मैटर है, सारे लोग सोसाइटी का किसी मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं। बेड़े भाई इलेक्ट्रिक का बिल इसी तरह से आता रहेगा तो कैसे चलेगा भाई? हाँ ये बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कल तुम्हें इलेक्ट्रिक कंपनी को कंप्लेंट कर देनी चाहिए। हाँ हाँ मैं कल ही लेटर लिख के दे दूंगा। हाँ टप्पू बेटा एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है मम्मी, और हमारी टीचर हमारी पढ़ाई से बहुत खुश है, क्यों फ्रेंड्स? हाँ, वेरी गुड। ओहो देखो तो कितना आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल रहा है मेरा बेटा। अरे पिंकू भी तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा क्लास में आता है? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली हम लोग जब एक्स्ट्रा क्लास से वापस आ रहे थे ना तो पिंकू हमें सोसाइटी के गेट के बाहर मिला है ना। अच्छा बेटा कल भी एक्स्ट्रा क्लास है? हाँ पापा कल तो और भी लंबी क्लास है। ओहो जल्दी जाना है। ए ले बोलो। अच्छा कल हमें 3 बजे जाना है। हाँ होगा। अब बच्चे पढ़ाई करके आए ना तो थक गए होंगे तो इनको घर जाने देते हैं। बरोबर है बच्चों, आप लोग घर जाओ अभी, सभी लोग बहुत ही सवाल पे सवाल कर रहे हैं। देखा मेहता साहब टप्पू सेना कैसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है, और इनकी हिम्मत तो देखो कल भी एक्स्ट्रा क्लास जाने की बात कर रहे हैं। हाँ क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि हमको पता है, अगर उनको पता होता कि हमको पता है तो ऐसा नहीं बोलते। बिल्कुल पते की बात कही है तुमने जेठालाल, बस हमें यही पता करना है कि एक्स्ट्रा क्लास का कह के आखिर ये बच्चे किस पते पे जा रहे हैं। मैं बताता हूँ उसका एक रास्ता है मेरे पास, सुनो। कल बच्चे हमसे जैसे ही एक्स्ट्रा क्लास का कह के घर से बाहर निकलेंगे हम लोग उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, और रंगे हाथों हम उनका झूठ पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेहता साहब। लेकिन मेहता साहब आपको भी कल हमारे साथ आना है। कल कोई बहाना नहीं चलेगा, बॉस का फोन आ गया मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ जाना है, सॉरी मैं नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट, सही बात है। हाँ मेहता साहब। अरे आ जाऊंगा भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ सुनो मम्मी भूख लगी है। हाँ हाँ दिख रहा अभी। हाँ तू जा अंदर जल्दी आना। हाँ अब ना आवी। हाँ क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं जेठालाल, अगर हम यहाँ खड़े होके कुछ प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है टप्पू सेना को शक हो जाए, उन्हें पता चल जाए। तो ठीक है, तो कहाँ बैठे? मेरे घर चलते। लेकिन अभी नहीं अभी नहीं, कल बच्चे जैसे ही स्कूल चले जाएंगे उसके बाद हम मेरे घर बैठ के प्लान कर लेते हैं हमें क्या करना है। हाँ
बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने। और हाँ, हम में से कोई भी इस प्लान के बारे में टप्पू सेना को नहीं बताएगा। हाँ, खास करके मैया जसोदा, सुन रहे हैं ना भैया भीड़े क्या कह रहे हैं? हाँ, इस बार तो टप्पू पूछेगा ना, तो भी मैं नहीं बोलूंगी। चलो अब एक काम करते, अभी अपने घर जाते और कल हम मिलते हैं, जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद मेरे घर, ठीक है? ठीक है, ठीक है। केले जेठालाल आ गया, आ गया। सोड़ी हाथी भाई जल्दी आइए, बच्चे गए, बच्चे गए। आइए आइए हाथी भाई, आइए चलिए। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, चलो चलो मीटिंग। कौन सी मीटिंग? भीड़ है, सोसाइटी की मीटिंग है और मुझे भूल गए, बताया ही नहीं। याद रखना आप लोग, अगर सोसाइटी का कोई भी डिसीजन आप लोगों ने माननीय कमेटी मेंबर को पूछे बिना लिया तो मैं कैंसिल कर दूंगा। इसको भी ले लो साथ में भाई, चलो ये झंटस लोग कोई रास्ता निकले तो अच्छा है। अरे भाई अभी हम लोग बात करेंगे ना, तुम सुन ना, सब पता चल जाएगा। बोले मेहता साहब। देखो जेठालाल, इस मुद्दे पे मैंने बहुत सोचा, इतना तो तय है कि टप्पू सेना हमसे झूठ बोल रही है। टप्पू सेना ने क्या झूठ बोला? ओ पटलाल, अभी जेठालाल ने बोला ना, शांति से सुनना, पता चल जाएगा, तो सुनो ना भाई। इधर आओ, बोलिए। अरे पर तुम लोग इसे साथ ही क्यों लेके आए भाई? अरे बार बहस करने लगा, अभी बहस करने का टाइम कहाँ है अपने पास? सही बात है। ठीक है, आप लोगों को मेरा यहाँ रुकना अगर इतना ही खटक रहा है ना, तो मैं चला जाता हूँ। एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाने वाला। अरे भाई, मैं भी सोसाइटी का माननीय मेंबर हूँ और सोसाइटी की हर मीटिंग अटेंड करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। और पप्पू बैठ। अरे सोड़ी क्या रुक, और बैठ, बहुत हो गई तेरी बक बक, अब चुप कर जा और खबरदार आप कुछ बोला तो, समझ गया ना? और चलो जी तुसी गल करो और मैं देखता हूँ ये कैसे बोलता है। शाबाश शाबाश सोड़ी, शाबाश। बोले मेहता साहब, बोलिए। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, जैसे ही टप्पू सेना एक्स्ट्रा क्लास के लिए निकलेगी, हम लोग उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो लोग एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेके कहां जा रहे हैं। क्या क्या अगर टप्पू सेना ने हमें उनका पीछा करते हुए देख लिया तो? ओ जी, मेरे पास एक आइडिया है, हम सभी सरदार के गेटअप में जाएंगे, टप्पू सेना हमें देखकर भी पहचान नहीं पाएगी। आइडिया अच्छा है सोढ़ी तेरा, लेकिन क्या है, टप्पू सेना हमको तो नहीं पहचान पाएगी, लेकिन तुमको तो पहचान ही लेगी ना। ओए हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। हाँ तो थैंक यू जेठा प्रा, थैंक यू। तो सुनो, प्लान ये है कि जैसा कि टप्पू सेना ने हमसे ये कहा था कि आज उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस 3 बजे से, तो हम लोग 3 बजे से कुछ देर पहले ही सोसाइटी कंपाउंड से निकल जाएंगे और सोसाइटी के बाहर किसी जगह पे जाके छिप जाएंगे और हम दया भाभी को ये कहेंगे कि जब टप्पू सेना सोसाइटी से निकले एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, उस वक्त हमें फोन करके बता दे कि टप्पू सेना निकल गई है। और जैसे ही टप्पू सेना निकलेगी, हम थोड़ी सी दूरी पे, मतलब इतनी दूरी पे कि वो हमें देख नहीं पाए, उनका पीछा करेंगे। वो तो मैं काम करता हूँ, अपनी जीप ले आता हूँ, उसमें टप्पू सेना का पीछा करते हैं। अरे नहीं नहीं सोड़ी, तुम्हारी जीप तो टप्पू सेना पहचान लेगी ना, और मान लो अगर जीप नहीं भी पहचानी तो हम तो दिख जाएंगे ना, क्योंकि तुम्हारी जीप तो खुली है।
सही बात है। हाँ, हम खुलने पड़ जाएंगे भाई। हाँ, खुली जीप में जाएंगे तो पोल खुल जाएगी छोड़ी। हाँ, ये बात भी सही है। तो मैं ग्रास से दूसरी गड्डी ले आता हूँ। ये आइडिया बराबर है, बहुत बढ़िया। बस तो फिर तय रहा कि आज हम टप्पू सेना के झूठ का पर्दाफाश करके रहेंगे। हाँ? और हमारे इस मिशन का नाम होगा मिशन पर्दाफाश। अरे अभी कहा कुछ बोला मैंने। हमें मिशन एक्स्ट्रा क्लास के लिए लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। टप्पू मुझे डर लग रहा है, वो चंदू चिल्लर हमें रोकेगा तो नहीं ना? सोनू, अगर वो चंदू चिल्लर है तो हम भी टप्पू से ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उन लोग चिल्लर है तो हम लोग नोट है। चल चल, टिंकू आगे हमारी वेट कर रहा है। चल जल्दी। हाँ, चलो 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 चलो। हाँ, बोलते हैं। हाँ, टप्पू की पापा, टप्पू सेना सोसाइटी से निकल गई है। ओके, ठीक। ऑयल बेस। हाँ ठीक है, फोन रख। निकल गए वो लोग, निकल गए। हाँ, गाड़ी के पीछे ऐसे छिप जाओ कि वो हमें देख ना पाए। हाँ, चल चल चल। चल 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 जल्दी चल, गोली जल्दी चल। ये गोली आज 1 2 3 1 2 3। ये रिक्शा रिक्शा। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे लगता है हमें लिप मूवमेंट एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। किसकी मदद लेनी चाहिए? लिप मूवमेंट एक्सपर्ट मतलब जो दूर से होठों को हिलते देख के शब्दों को पकड़ना जानता है। अरे अभी लिप मूवमेंट छोड़ो, हमें मूवमेंट करना है उनके पीछे। चलो उनको पकड़ना जल्दी। चलो 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 चलो। अरे दरवाजा खोल। अरे भिड़े, किसको दरवाजा खोलने को बोल रहे हो? सोड़ी तो गाड़ी में है ही नहीं। हाँ, सोड़ी कहाँ गया? अरे भगवान, कहाँ चला गया? मैकेनिक की गाड़ी के नीचे तो नहीं है अब। ओ सरदार जी। पापा जी। हाँ जी, कौन? अरे कौन क्या भिड़े, तू वहाँ क्या कर रहा है? चल चल, टप्पू सेना चले गए। उठ उठ। हैं? ओ चलो चलो। तुमको क्या इतनी जल्दी अंदर घुसने की भाई? सब जल्दी जल्दी हो जाए। लगने आगे आगे आगे। अरे अरे क्या उतरो भाई, जेठालाल भाई मैं आगे आ जाता हूँ, उसमें क्या है भाई? जल्दी करो यार। भाई जगह नहीं है इधर, लेकिन भाई बहुत जगह है भाई। तुम आए क्यों साथ में भाई? तुम पीछे रिक्शा में आओ ना भाई। नहीं नहीं नहीं, हो गया भाई सब कम्फर्टेबल। हाथी भाई कम्फर्टेबल है ये देखो। अरे वो नहीं, इधर जगह नहीं है। जल्दी बंद कर। चलो 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 भाई यार, ये चलो तुम्हारे चक्कर में हमारा बोर हो जाएगा। अरे पर चलो, चली भी गई। एक मिशन का राज जानने के लिए दूसरा मिशन। जी हाँ, टप्पू सेना के मिशन एक्स्ट्रा क्लास का राज खोलने के लिए गोकुलधाम निवासियों का मिशन पर्दाफाश प्रारंभ हो चुका है। लेकिन एक राज की बात जो शायद आपके दिमाग में भी इस वक्त गूंज रही होगी, जो हमें समझ में नहीं आ रही और मेरे दिमाग में भी है, कि टप्पू सेना जो एक्स्ट्रा क्लास में 7 से 9 वाले समय में जा रही थी, अचानक उन्होंने समय बदल के दोपहर में 3 बजे क्यों कर लिया है? कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि उनके पेरेंट्स उनके पीछे उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं?
भाई ये तो मैं इस वक्त नहीं जानता कि उन्हें शक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर तय है कि कुछ सवाल मेरे दिमाग में इस वक्त उपज रहे हैं कि आखिर टप्पू सेना झूठ बोल के कहां जा रही है। टप्पू सेना का ऐसा कौन सा राज है जो अपने पेरेंट्स से वो छुपा रहे हैं। मैं जानता हूं इस राज को जानने के लिए आप भी बेताब है और मैं भी। हम बताएंगे आपको ये राज सोमवार को जब हम मिलेंगे 8:30 बजे, जब आप और हम मिलकर देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक ये सोचिए कि आखिर कौन सा राज है जो बच्चे अपने माँ बाप से छुपा रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.